Bismillahirrahmanirrahim, students. This is the second lecture of the chapter number 6, the report. Previously, we have had the introduction and dates of the text, and let's move to the next. अब वो बता रहा है कि किस तरह से एक वाक्य बता रहा है कि ऐसा आदमी वो उससे पूछते हैं कि ऐसा आदमी है जिसने मेहनत करके डिटर्मिनेशन के साथ अपना गोल हासिल किया हो तो वो अब जोरकन उस वाक्य के बारे में बता रहा है। देर वॉज अ यंग फेलो सेड जोरकन, पहले आपकी रिपोर्टिंग क्लर्क जोरकन ने कहा, देर वॉज अ यंग फेलो, किसी चीज की एग्जिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं एटी या देर का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज जब मौजूद होती है तो उसके लिए हम एटी या देर का इस्तेमाल करते हैं। एक नौजवान था whom his parents probably used to say, to whom, जिससे his parents, उसके वालिदैन, वालिबन, used to say, कहा करते थे, ऐसा काम जो पास्ट में होता था अब नहीं होता, वहां पे used to का इस्तेमाल करते, very things, बिल्कुल वही बातें, very thing हम stress देने के लिए intensifier इस्तेमाल करते हैं, very thing specify करने के लिए भी use करते हैं, very thing we have been saying now, जो अब हम कहते आ रहे हैं, तो जिससे उसके वालिदैन, गालिबन, वही बातें कहा करते थे जो अब हम कहते आ रहे। जोरकन ने कहा एक नौजवान था जिससे उसके वालिदैन, वालिबन, सब्जेक्ट आ गया यहां तक, यूज्ड टू से द सेम वेरी थिंग, वही बातें कहा करते थे, वही बातें, यहां पे पहले ऑब्जेक्ट आ गया फिर जो है वो यू वर्ब का एंड पे तर्जमा किया, ये आपकी क्लॉजेस हैं, प्रोबेबली यूज्ड टू से, वी हैव बीन डूइंग, तो जिससे उसके वालिदैन, गालिबन, वही बातें कहा करते थे जो अब हम करते आ रहे हैं, ये करते रहे हैं। अब यहाँ पे ये सेंटेंस इनफेक्ट गलत है, जब हम नो लगा देते हैं तो वहां पे कंटिन्यूस सिंपल कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता, याद रखिए नो का मतलब अभी है, एक्शन इस वक्त चल रहा है, परफेक्ट टेंस का मतलब पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नो सिर्फ एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, परफेक्ट टेंस में दोनों पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो कुछ देर से चल रहा है इसका मतलब पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये नाउ इस्तेमाल नहीं कर सकते, नाउ के साथ हम वी आर सेइंग नाउ होना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर देयर आर मेनी अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स एंड मेनी वॉयलेशंस ऑफ द नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस, तो इसमें चूंकि राइटर के लिए दैट इज इसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस कहते हैं, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ सच सॉर्ट फॉर द राइटर, ही हैज जस्ट टू कन्वे, he has to convey क्या होगा the theme या message in fact of his क्या होगा creation, and very likely ही, और गालिबन बिल्कुल वैसे ही, as many young fellow do, जिस तरह से बहुत सारे नौजवान करते हैं, और गालिबन बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत सारे नौजवान करते हैं, may have wanted to prove them wrong, शायद उन्हें गलत साबित करना चाहता होगा, may have wanted, शायद उन्हें गलत साबित करना चाहता होगा, may have wanted to prove them wrong, शायद उन्हें गलत साबित करना चाहता होगा। अब यहाँ पे मे हैव, जब हमने मॉडल वर्ब के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगा देते, याद रखिए अकेला हैव नहीं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब के बाद अगर हम हैव और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो उसके बाद फिर हम क्या यूज करते हैं, वो पास्ट टेंस हो जाता है, शायद उन्हें गलत साबित करना चाहता होगा, ये जैसे नौजवान कहते हैं ना, नहीं अम्मी जी, अबू जी आपको नहीं पता, मुझे ज्यादा पता है, तो वो बहुत सयाना होता है क्योंकि बच्चा, वो जनरेशन गैप होता है, वो समझते हैं मेरे माँ बाप को पता ही नहीं है, तो दो तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड के देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस, वन इज द एक्सपीरियंस गॉट फ्रॉम द लाइफ, उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना, बहुत टेक्नोलॉजी से वाकफ होना जरूरी नहीं है, वो एक अनपढ़ आदमी भी वो जिंदगी के हकायक से बाखबर होता है, उसके एक्सपीरियंस में गुजरे होते हैं, लोगों का रवैया है, लोगों के मामलात हैं, जिंदगी के मामलात हैं, इंसान की बेसिक नेचर के मामलात हैं, जाहिर है उसको लोगों के लालच का भी ज्यादा पता होगा, उसको ये भी पता होगा कि लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको ये भी पता होगा कि क्या होगा अपने मकासद के लोग एक दूसरे का कुछ नुकसान कर देते हैं, तो ये नहीं, ये एक चीजें, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वो शायद नॉलेज आप हमसे या नई जनरेशन या आप लोगों से वो ज्यादा जानता है, हो सकता है आपको मोबाइल चलाना अच्छा होता हो, फेसबुक अच्छी आती हो, तो इट डजंट मीन कि यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, तो यू शुड कंसीडर देम एज वेल, उनको भी उनका उस एक्सपीरियंस को वैल्यू मिलनी चाहिए, और फिर इन ह्यूमन नेचर इज द सेम ओवर द क्या होगा मिलेनियम, क्या होगा
हजारों साल से इंसान की जो है नेचर सेम है, ग्रीड वही है, लालच वही है, प्राइड वही है, पावर का नशा वही है, दूसरों को क्या है अपना गुलाम बनाने की नेचर वही है, तो दिस व्हाट शो ऑफ करने की नेचर वही है, चेंज नहीं होगी अंटिल ह्यूमन बीइंग्स जनो कोई और क्रिएशन आए तो उसकी हो सकती है, उसमें ना हो, लेकिन इंसानों में ये चीजें होंगी, थी और होती रहे, दिस इज नेवर बी एंडेड, दिस इज पार्ट ऑफ इंस्टिंक्ट ह्यूमन नेचर का क्या होगा एलिमेंट। तो शायद जिस तरह से बहुत सारे नौजवान करते हैं वो भी उन्हें गलत साबित करना चाहता होगा, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात। अब यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया कि यहाँ पे बिकॉज भी लगा सकते हैं, आई डोंट नो बिकॉज इट वॉज लॉन्ग टाइम, तो इसलिए यहाँ पे सेमी कॉलन इस्तेमाल किया। पास्ट में पहले प्रेजेंट बाद में पास्ट हो सकता है, लेकिन पहले पास्ट बाद में प्रेजेंट नहीं हो सकता, बट वट एवर इज मोटिव वाज, लेकिन उसका मकसद जो भी था, मोटिव पर्पस ऑब्जेक्टिव ही हिट ऑन, उसने सोचा अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिशन, एक इंतहाई गैर मामूली ख्वाहिश, एम्बिशन पर्पस ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रॉर्डिनरी गैर मामूली सुपर्ब एक्सीलेंट मार्वेलस, उसने इंतहाई गैर मामूली ख्याल सोचा, हिट ऑन का मतलब सोचना होता है, गेस करना होता है, वैसे सोचना किसी नुक्ते पे पहुंचना, चिमट जाना किसी चीज के साथ, स्टिक स्टक स्टक, इट वॉज नथिंग लेस टू बी अपॉइंटेड कोडेक्ट, ये किसी तरह से भी दरबारी बाजीगर के तौर पे तकरर किए जाने से कम नहीं, नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड, तकरर किए जाना कोटेक्ट, ये किसी तरह से भी दरबारी बाजीगर के तकरर किए जाने से कम नहीं, व्हाट ये बाजीगर अब अपॉइंट करना है या अपॉइंट किया जाना है, तो किया जाना है तो क्या होगा, टू बी अपॉइंटेड, इन्फिनिटिव एक्टिव भी इन्फिनिटिव पैसिव, यानी अगर अब चूंकि कोर्ट एग्रोबेट किया जाना है तो टू बी अपॉइंट, अगर कोर्ट एग्रोबेट ने करना होता किसी को अपॉइंट तो फिर इस तरह से बना था कोर्ट एग्रोबेट टू अपॉइंट आगे बंदे का नाम पे लिखना था, अब जो है कोर्ट एग्रोबेट इसका रिसीवर है तो इसके लिए टू बी अपॉइंट, व्हाट क्या सेट डरबेट ने पूछा, क्या एग्रोबेट जोरकर वेंट ऑन, तो रिपोर्टिंग क्लास पहले जोरकर ने बात जारी रखी, बाजीगर टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क के दरबार का बाजीगर जिसमें वो रहा करता, उस मुल्क के दरबार के बाजीगर जिसमें वो रहा करते, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वाज दैट आस्क्ड, टर्बर ने पूछा वो किस किस्म का मुल्क था, टर्बर ने पूछा वो किस किस्म का मुल्क था, यानी कि हैरानगी हो रही है, को कैसा मुल्क था जहाँ पे एक्रोबैट बनने के लिए बड़ा बंदे को बड़ा एम्बिशन हो, बड़ा मकसद हो, तो ये भी कोई काम है, ये बाजीगर बनना जो है ना ये भी कोई बड़ा आपको सेंसेबल एम्बिशन है, इसलिए वो हैरानगी के साथ कह रहा, नेवर माइंड, ये ना सोचो व्हाट कंट्री इट वाज, मुल्क किस तरह का, जोरकर ने कहा ये ना सोचो कि मुल्क किस तरह का था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दर हकीकत इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली, इसके रस्म और रिवाज इस कदर अहम काना नहीं, कस्टम होगा कस्टम्स नहीं होगा, कस्टम के साथ ऐसे लगा देंगे तो ये डिपार्टमेंट बन जाता है कस्टम्स डिपार्टमेंट, जो टैक्स लेते हैं बाहर से आने वाली चीजों पर, और दर हकीकत उसके रस्म रिवाज इस कदर अहम काना, सिली का मतलब absurd, foolish, as useful, जैसे कि तुम समझते हो या जैसा तुम तसव्वुर करते हो, दर हकीकत उसके रस्म रिवाज इस कदर ज्यादा अहम काना नहीं थे जितना कि तुम ख्याल करते हो, अब सो एज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो एज हम पेयर में इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव में हम सो एज लगाते हैं, पॉजिटिव में एज एज इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि उसके रस्म रिवाज ऐसे बेवकूफाना थे या अहम काना थे जैसे तुम तसव्वुर करते हो, फिर क्या होगा, were so silly as you suppose, ये sorry were as silly as you suppose, और negative में है so silly, हाँ इस वो so as का इस्तेमाल किया, दर हकीकत उसके रस्म रिवाज इस कदर आम काना नहीं थे जितना कि तुम सबर करते हो, they had no post of court acrobat, उनके हाँ दरबारी बाजीगर का ओहदा नहीं था या दरबारी बाजीगर की असामी नहीं, and never had had, ना ही कभी रही थी, ये had had पहले वाला had जो है ना वो auxiliary verb है यानी helping verb है, दूसरे वाला had main verb है क्योंकि has have had की ये third form भी है और उसके अलावा ये auxiliary verb के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, उनके हाँ दरबारी बाजीगर का होदा नहीं था और ना ही कभी रहा था, but they didn't stop young gorgeous, लेकिन इससे नौजवान gorgeous नहीं रुका,
लेकिन इससे नौजवान गार्जियस नहीं रुका या इस बात ने नौजवान गार्जियस को नहीं रोका, नहीं रोका। दैट वाज हिज नेम, यही उसका नाम था, यानी उस बंदे का नाम क्या था, क्या होगा, वो गॉर्जियस। दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। ही वाज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। व्हेन ही वाज एथलीट जो है वो एथलेटिक्स को सेट ऑफ गेम्स होते हैं जिनको हम एथलेटिक्स कहते हैं, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। When he came by this wild idea, जब वो उसे ये ख्याल आया, came by का मतलब क्या होता है, ख्याल आना, thought, सोचना, come by, come to होश में आना होता है, come by ख्याल आना होता है, come across रास्ते में मिल जाना होता है, जैसे my friend, old friend came across me on the way, तो he was a good athlete when, अभी when वाली मैंने बताया था कि when वाली clause, if वाली clause का तर्जमा पहले कर सकते हैं। तो जब उसे ये जुनूनी ख्याल आया, वर्ल्ड से मराद होगा क्या होगा, स्वीयर इंटेंस, यानी बहुत जुनूनी है। एट अबाउट एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में, तो जब उसे पहले सब्जेक्ट फिर लास्ट पे चले जाना, जब उसे तकरीबन 16 साल की उम्र में ये जुनूनी ख्याल आया, तो वो एक अच्छा खिलाड़ी था। एंड हैड वन हाई जंप, और ऊंची छलांग, वन जीतना, हाइड ऊंची छलांग, हर्डल्स रुकावटों वाली दौड़, एंड 100 यार्ड और 100 गज की दौड़, एट ए स्कूल, अपने स्कूल। और क्या होगा, जब उसे ये 16 साल की उम्र में ये जुनूनी ख्याल आया, जब उसने 16 साल की उम्र में ये जुनूनी ख्याल सोचा, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। और फिर उस क्लॉज के, ये क्लॉज है हेड वन पूरी क्लॉज, तो फिर लास्ट से वापस आना है, क्या होगा, वो एक अच्छा खिलाड़ी था और एट ए स्कूल, अपने स्कूल में, तीन चीजें हैं, ऊंची छलांग, रुकावटों वाली दौड़ और 100 गज की दौड़ जीत चुका था। हेड वन है परफेक्ट आंसर, यानी उस वक्त खिलाड़ी था और उससे पहले वो जीत चुका था, यानी जब उसने ख्याल सोचा उस वक्त खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी था और वो जो जंप किया था या जीते था कॉम्पिटिशन, वो उससे भी पहले था, तो ये परफेक्ट आंसर में होगा। इस was good athlete के perspective से या इसके reference से बात कर रहा है कि वो उससे पहले था, तो ये हमेशा याद रखना, perfect tense किसी point of reference से पहले की बात होती है। तो जब उसे तकरीबन 16 साल की उम्र में ये जुनूनी ख्याल आया, तो वो एक अच्छा खिलाड़ी था और क्या होगा, उसने स्कूल में ऊंची छलांग, रुकावट वाली दौड़ और 100 गज की दौड़ जीती। Well, there was opportunity. देखें, अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अपॉर्चुनिटी ही फेट होती है, यानी कि जब आपको आपके सामने क्या होगा, अब एक बंदे को अपॉर्चुनिटी दी नहीं गई को अपना मकसद हासिल कर सके, जैसे मैंने पहले बताया था कि सपोज एक गरीब फैमिली में ब्रिंग अप होता है बच्चा, ब्रॉड है, तो अगर उसके पास पढ़ने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देगी, शुरू दिन से वो जमीनों पर काम कर रहा है, इसका मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, तो वो उसकी फेट में जाहिर वो नहीं था, तो फिर वो कैसे वो उसे हासिल करेगा। तो वो यहाँ पे कहता है आर्ग्यू टर्बर, यानी टर्बर ने बहस की या दलील दी, अच्छा तो देर वॉज अपॉर्चुनिटी, मौका था, देर वॉज अपॉर्चुनिटी, देर वाला दो तर्जमा नहीं करते क्योंकि देर सिर्फ इंडिकेट कर रहा अपॉर्चुनिटी को, और क्या होगा, मौका था। इट वॉज इफ ही वॉज बॉर्न अ गुड एथलीट, अगर वो पैदाइशी तौर पर एक अच्छा खिलाड़ी था। अब जरा देखे, ये आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज है, इसका तर्जमा पहले कर देंगे। टर्बर ने बहस की, क्या होगा, अगर वो एक अच्छा खिलाड़ी था, इफ वाली क्लॉज, और ये दोनों क्लॉजों को चूंकि दोनों रिपोर्टेड को इकट्ठा कर लेंगे, देखिएगा यहाँ पे चल रहा है आर्ग्यू टर्बर के बाद भी कॉमा है क्योंकि ये एक ही सेंटेंस है और इसकी दो रिपोर्टेड क्लॉज है और एक रिपोर्टिंग है, तो रिपोर्टिंग को इकट्ठा कर देंगे पहले और दोनों रिपोर्टेड को इकट्ठा कर देंगे, रिपोर्टिंग को पहले ले आएंगे। टर्बर ने पूछा कि अगर वो एक अच्छा खिलाड़ी था, अच्छा तो फिर तो क्या होगा, मौका था, यानी जाहिर है मौका था तो फिर मिलने के भी या हासिल करने के भी चांस होते हैं।
लेकिन जैसे मैंने जो आपको फेट का कॉन्सेप्ट बताया था कि फेट इनफेक्ट अपॉर्चुनिटीज का नाम है, अपॉर्चुनिटीज हर बंदे को मुख्तलिफ मिलती हैं, यानी ये नहीं है कि समबडी इज डिप्राइव्ड ऑफ, हर बंदे को अपॉर्चुनिटीज मुख्तलिफ मिलती हैं ताकि दुनिया में डाइवर्सिटी रहे। अगर दुनिया में हर एक को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो दुनिया में डाइवर्सिटी कायम नहीं रह सकती। सपोज सभी को एक जैसा एटमोसफेयर, सभी को एक जैसे पेरेंट, सभी को एक जैसा जो है ना वो फाइनेंशियल पोजिशन और एक जैसा एटमोस्फेरिक जो ना वो एनवायरमेंट या एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है, तो उनमें तो सभी में सिमिलैरिटी हो जाएगी। जब सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे तो इसका मतलब दुनिया के काम कैसे चलेंगे? दुनिया कायम ही डाइवर्सिटी के असूल पे है। अल्लाह ताला ने खूबसूरत दुनिया में खूबसूरत तरीके से इंतजाम किया है कि उसका जो सिस्टम पूरा का पूरा है वो डाइवर्सिटी पे है। यानी ये अल्लाह ताला ने जो चीजें खुद अपने पास रखी हैं कि बच्चा कहाँ पे पैदा होगा, किस एटमोसफेयर में होगा, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि जब वो एक डिफरेंस पे वो पहले होता है, डिफरेंस ऑफ स्टेटस पे होता है, डिफरेंस ऑफ एटमोसफेयर पे होता है, एनवायरमेंट पे होता है, तो उसके नतीजे में होने वाला बच्चा डिफरेंट ऑफ टेस्ट होता है, डिफरेंट ऑफ इंटेलिजेंस होता है, डिफरेंस ऑफ जो है ना उसमें क्या होगा, लाइकनेस होता है, डिफरेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है, तो उसके नतीजे में फिर डिफरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है वो पैदा होते हैं। और ह्यूमन बीइंग में डिफरेंस होंगे तो जाहिर है काम चलेगा। अगर सारे के सारे डॉक्टर बन दें, सारे के सारे जो है वो नर्सेज बन दें, सारे के सारे इंजीनियर बन दें, एक तरह से सारे सोचे, तो डेफिनेटली द वर्ल्ड विल नॉट वर्क। तो ये दुनिया का असूल ही डाइवर्सिटी के असूल पे मबनी है, तो अल्लाह ताला ने इसकी इंसान की नेचर में शामिल कर दिया है। जी, मूव टू द नेक्स्ट। दिस वाज क्या होगा ऑक्सिलरी डिटेल, बट वेट अ मोमेंट, सेड डोरकन। डोरकन ने कहा लेकिन एक लम्हे के लिए ठहरो, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, तुम अपने जिंदगी भर एक खिलाड़ी नहीं रहते। यू डोंट रिमेन, तुम अब लास्ट पे ऑल योर लाइफ अपनी जिंदगी भर एक खिलाड़ी नहीं रहते हो। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और अभी तो उसने ओहदे की या सामी की तखलीक भी करनी थी। स्टिल हैड टू, काम करना था, तो हैड टू का इस्तेमाल। गेट द पोस्ट क्रिएटेड, अब पोस्ट, अब गेट जो है कॉजिटिव वर्ब है जो क्रिएट का सबब बन रहा है। आप जरा देखेंगे पोस्ट क्रिएट कर रहा है या पोस्ट क्रिएट हुई है, तो क्रिएटेड ये पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा था पॉजिटिव वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट हो वर्ब के साथ तो फिर हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। अगर क्या होगा सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और अभी तो उसने ओहदे की तखलीक भी करवानी थी या अभी तो ओहदे की तखलीक भी होनी थी। नाउ सी, अब देखिएगा हु और होम। अब चूंकि हु सब्जेक्ट होता है, होम ऑब्जेक्ट होता है, तो आर यू लुकिंग फॉर यू कर रहा है तो होम आ जाएगा। हु इज बीइंग पनिश्ड, अब हु जो है पनिश कर रहा है या पनिश हो रहा है तो क्या होगा, वो हो रहा है तो क्या होगा, होम इज बीइंग पनिश्ड। और हु नॉक्स एट द डोर, क्योंकि नॉक करने वाला हु है। इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, जब दो प्रोनाउन को आपस में अटैच कर, दो क्लॉजेस को आपस में अटैच करता है, नाउन की जगह पे भी इस्तेमाल होता है, दो क्लॉजेस को भी मिलाते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी बनाता है या रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। इजंट दैट वुमन हु लिव्स अक्रॉस द रोड फ्रॉम यू, अब ये वुमन के मीनिंग में ये पूरी की पूरी क्लॉज है ना मीनिंग में इजाफा करे, द पर्सन हु वॉज सैड, क्या होगा आगे सेंटेंस कंप्लीट है, तो हु वाज सेड जो है ना पर्सन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ये देखिएगा ये सेंटेंस जो है ना फ्रेगमेंट है यानी इनकम्प्लीट है, क्यों कि यहाँ पे द पर्सन हु वाज सेड आगे उसकी ये तो आपकी क्लॉज होगी, और ये इसका जो है सब्जेक्ट तो मौजूद है, इसकी प्रेडिकेट मौजूद रहे हैं, तो हमें लगानी पड़ेगी। द पर्सन हु वाज सेड वाज क्या होगा, अप वाज माय ब्रदर या वाज माय फ्रेंड। Used to का मैंने इस्तेमाल बताया कि जब किया करता था, रूटीन हो पास्ट में जो अब नहीं होती, habitual action के लिए, तो फिर हमने क्या लगाना है, used to drive, वो तब किया करता था अब नहीं करता, और used to आदि होने के भी है तो तब हमने क्या यूज करना है, जैसे मैं एक्सेंट को नहीं समझ सका जब पहले आया, आई क्विकली गॉट यूज टू, अब मैं उसका यूज टू हो गया, यानी आदि हो जाना। के बाद है जहां पे मैंने अभी बताया कि जब हम मॉडल वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, मस्ट हैव है और मे हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, लेकिन साथ में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। वैसे भी मस्ट हैव अकेला लगाया जा सकता है, तो हैव जो है ना फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, लेकिन हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो तब इसको हम पास्ट जो है ना वो कंसिडर करेंगे, पास्ट में उसको ट्रीटमेंट करेंगे। ही माइट हैव है,
तो इट वॉज लेट होगा, माइट हैव फॉरगॉटन है तो वर होगा, शुड हैव स्टडीड है तो है टाइम होगा, और क्या होगा, मस्ट हैव है तो देवर नेसेसरी होगा, और इन्फिनिटिव एडजेक्टिव। अब स्टूडेंट्स को पनिश करना है, किया जाना है टू बी पनिश्ड होगा, तो अगर पीछे सब्जेक्ट हो तो फिर टू पनिश, पीछे ऑब्जेक्ट हो तो फिर टू बी पनिश, और इसी तरह से ऑफिस है टू बी मैनेज्ड है, चेयर्स है टू बी सोल्ड है, और क्या होगा, मीटिंग है, प्रिजाइड कर रहा है अशरफ तो टू प्लान होगा, क्योंकि अशरफ एक्शन का डूअर है। और इसी तरह से आपने देखना एम ऑफ गॉर्जियस क्या था, गॉर्जियस वांटेड, अब वांट कौन कर रहा है, गॉर्जियस, गॉर्जियस वांटेड टू बिकम अ कोर्ट ऑफ एक कंट्री, क्या होगा, ये ऑर्डर वर्ल्ड मिशन था, इट वाज एन ऑर्डर वर्ल्ड मिशन, ही शो हिज फिजिकल फिटनेस, वांट कौन करता है, ही वांटेड टू शो हिज फिजिकल, और क्या करना चाहता था, ही वांटेड टू इंप्रेस द नेबरिंग कंट्रीज। ये देखिएगा कुछ ना करेक्शन है, आई एम वेरी ग्रेटफुल पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो मच नहीं लगाते, मच हम यूज करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में हम वेरी लगाते हैं, ही इज द मोस्ट परफेक्ट, टू परफेक्ट पहले ही परफेक्टिव मीनिंग है, यानी आप जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव मीनिंग लिए हुए है, परफेक्ट जो है जो पहले होता है, जो हर तरह से कंप्लीट हो, जिसके साथ मोस्ट नहीं लगाएंगे, ही इज अ परफेक्ट फूल, मोर सर्कुलर, सर्कुलर भी अपने अंदर कंप्लीट जाहिर है, सर्कुलर उसे कहते हैं जो बिल्कुल गोल हो, इसके साथ मोर नहीं लगा सकते, ठीक है, मोर भी कंपेरेटिव है, सर्कुलर भी जो वो अपने अंदर एक्सट्रीम मीनिंग लिए हुए होते हैं, उसको मजीद हम नहीं बना सकते एडजेक्टिव। डेथ आई प्रेफर के साथ हम टू लगाते हैं, बॉय है तो इसका अगर रिलेशनशिप है बैन, कोई रिलेटिव है तो फिर एल्डर होगा, वरना क्या होगा, ओल्डर होगा। आई स्पीक इंग्लिश वेल, गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है, स्पीक के मीनिंग में इजाफा करेगा, वर्ड वर्ब होना चाहिए। दे हैव लेस बुक्स होगा, बुक्स जो है काउंटेबल होती हैं, तो आप फ्यू बुक्स होगा या फ्यूर बुक्स होगा। देन देन आई हैव, चूंकि कंपैरिजन है तो फ्यूर फ्यूर आ जाएगा। दिस इज क्लॉज सुपीरियर टू, सुपीरियर के साथ इंफीरियर के साथ प्रेफर के साथ टू लगाते हैं, सुपीरियर टू दैट हो गया। ऑफ द टू सिटी, दो में से चूज करना हो आपने तो फिर आप ऑफ द टू सिटी चूज द लेस होगा, क्या होगा, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री है, दो में से एक को आपने सेलेक्ट करते हैं तो कंपैरिजन उसमें भी दो के दरमियान होता है, तो वहां पे कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं। इट इज सावर, जो सेंस वर्ब है जो होने का मीनिंग देते हैं, उसके बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से द मोर वी गेट, जब हम दो क्या होगा इस्तेमाल करते हैं, दो कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं तो दोनों के साथ दा लगाते हैं, द मोर वी गेट द मोर वी वॉन्ट, असल में इस टॉलर क्या होगा, देन आए, क्योंकि देन के बाद सब्जेक्ट लगाना है। दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग बुक ऑफ ऑल, सभी में से है तो द मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा, शुगर इज वेरी स्वीट होगा, टू स्वीट हम नेगेटिव एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, और जाहिर है या तो आगे इंटेंसिफायर होगा, रीजन होगी उसकी, वरना हम इसको वेरी स्वीट कहेंगे। द रिच शुड, जब सभी को रिप्रेजेंट करना हो तो द रिच हो जाएगा। इसी तरह से शी इज क्या होगा, ओल्डर देन आई होगा, क्योंकि देन आई एम ओल्ड है, ये एक्सप्रेशन मैंने बताया था आपको कि जब हमने देन का इस्तेमाल करते हैं पूरा एक्सप्रेशन इससे वो लंबा है, यानी वो उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद होती है लेकिन लिखा नहीं जाता। हैंड राइटिंग इन्फीरियर टू मी, नहीं मुझसे इन्फीरियर नहीं, मेरी हैंड राइटिंग से तो माइन हो जाएगा। माई सिस्टर वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर हु इज वेरी गुड एट साइंस, अब डॉक्टर वेरी गुड एट साइंस है या माई सिस्टर है, तो हु इज वेरी गुड एट साइंस, सिस्टर के मीनिंग में इजाफा करें तो वहां पर चला जाएगा। दिस ट्री इज मोर ओल्डर, ये कंपेरेटिव डिग्री में मच इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर नहीं लगाते क्योंकि ये भी कंपेरेटिव है और ये भी कंपेरेटिव है। ये मोर कब लगाते हैं, जब इररेगुलर एडजेक्टिव होते हैं जो ई आर ई एस टी के साथ कंपेरेटिव एडजेक्टिव नहीं बनते। योर फादर इज मोर सीनियर, नहीं मच सीनियर देन टू मी हो जाएगा। He is more conscious of two, दो में से है तो क्या होगा, He is the more conscious, जब दो में से है तो फिर comparative degree के साथ हम दा लगाते हैं। और last one है जी, How did he do that? उसने ये सब कैसे किया, asked Herbert, Herbert ने पूछा, Herbert ने पूछा उसने ये सब कैसे किया, simply by sticking to it, महज डटे रहने से, simply by sticking it, महज डटे रहने से, जोरकन, जोरकन ने कहा, जोरकन ने कहा महज डटे रहने से, He went into the politics. वो सियासत में उसने शमूलियत इख्तियार कर ली। पहले रिपोर्टिंग क्लास, जोरकन ने कहा
महज डटे रहने से या महज साबित कदम रहने से. He went into politics, so उसने सियासत में शमूलियत इख्तियार कर ली. They all do in that country. उस मुल्क में सब ऐसा ही किया करते थे. अब चूंकि पास की बात है तो होना चाहिए था they all did या used to do. तो there is similar case जो हम पास्ट में क्या होगा वो राइटर जो है अनयूजुअल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है. उस मुल्क में वो सब्जेक्ट फिर लास्ट पे चला जाए इन दैट कंट्री उस मुल्क में सब ऐसा ही करते थे. बट ही वेंट इन टू देम हार्डर देन एनिमल्स. लेकिन वो अब लास्ट पे चले जाए देन एनिमल्स किसी दूसरे से ज्यादा क्या होगा शिद्दत के साथ उसमें शामिल हुआ. वेंट इन टू मतलब ज्वाइन लेकिन वो किसी दूसरे से ज्यादा शिद्दत के साथ उसमें शामिल हुआ. अब यहाँ पे हार्डर कंपैरेटिव डिग्री है क्यों एनीवन एल्स है. जब कंपैरेटिव में एनीवन हो तो इसका मतलब कोई एक बंदे की बात हो रही है तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं. आई नेवर गेव अप इन द मिशन और कभी अपने मकसद को तरक नहीं किया. गेव अप का मतलब लीव छोड़ देना. एम्बिशन की ऑब्जेक्टिव और अपने मकसद को कभी भी तरक नहीं किया. ऑफ कोर्स शी मेड स्पीचेस बिला शुबा उसने तकारीर की. एंड फाइन वंस ऑन मेनी सब्जेक्ट्स और दूसरे मौजूदात पे बहुत उम्दा तकारीर. बिला शुबा उसने तकारीर की और दूसरे मौजूदात पे कई बहुत उम्दा तकारीर की. बट ऑल द वाइल लेकिन इस दौरान ही स्टक टू हिज वन आइडिया वो अपने एक ख्याल पर डटा रहा. स्टक स्टिक स्टक स्टक डटा रहना. लेकिन इस दौरान वो अपने एक ही ख्याल पर डटा रहा. द इयर्स वेंट बाय साल गुजरते गए एंड द डे केम और वो दिन आ गया. वेन ही हैड पावर इनफ जब उसके पास काफी ताकत थी. एनफ पावर होगा क्योंकि ये नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. पावर नाउन है एनफ उसका एडजेक्टिव है. एनफ को एडवर्ब भी यूज करते हैं एडजेक्टिव भी. क्योंकि जब एडजेक्टिव आ गया तो इसका मतलब है कहाँ पर यूज करना उसको वर्ब नाउन से पहले लगाना. जी साल गुजरते गए वेंट बाई लैप्स गुजर जाना लैप्स्ड. साल गुजरते गए द डे केम फिर वो दिन आ गया. द डे है स्पेसिफिक डे है. वो दिन आ गया when he had power enough नहीं होगा enough power जब उसके पास काफी ताकत थी to preach his mission openly अपने मकसद का खुलम खुला इजहार करने के लिए. जब उसके पास अपने मकसद का खुलम खुला इजहार करने के लिए काफी ताकत मौजूद थी. साल गुजरते गए और फिर वो दिन आ गया जब उसके अपने मकसद का खुलम खुला या बर्मला इजहार करने की काफी ताकत थी. preach का मतलब जो है ना propagate करना फैलाना बताना दूसरों को. and told them और उन्हें बताया हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री एंड इट्स एंशिएंट थ्रोन. ग्लोरी शान शौकत कंट्री अपने मुल्क की एंशिएंट थ्रोन और कदीम तख्त व ताज की. थ्रोन जो सल्तनत चल रही थी तो कदीम तख्त की शान बढ़ेगी. इफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड अगर दरबारी बाजीगर का की असामी तख्लीक कर दी जाए. अब यहाँ में चूंकि सब्जेक्टिव सिचुएशन है कि अगर तख्लीक नहीं हुई इमेजिनेटिव कर रहा है जहां पे अनरियल चीज को जो चीज है नहीं उसको इमेजिन कर रहा है. तो यहाँ पे वर्ग का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि पोस्ट अलग सिंगल है उसके साथ वाज होना चाहिए. यहाँ पे इफ क्लॉज जैसे मैं आपकी जगह होता तो क्या सेंटेंस बनेगा इफ आई वर यू. मैं आपकी जगह होता आई वुड हेल्प यू तो मैं आपकी मदद करता. तो इस तरह से हम जैसे मैंने पहले बताया था और उसने उन्हें बताया कि किस तरह से ये आपकी मेन क्लॉज होगी. अब आपकी एक क्लॉज है इफ वाली क्लॉज. तो मैंने बताया था इफ वाली क्लॉज वेन वाली क्लॉज का तर्जुमा हम पहले करते हैं क्या होगा और किस तरह से अगर दरबारी बाजीगर की असामी वर क्रिएटर तख्लीक कर दी जाए और उसने उन्हें बताया कि किस तरह से अगर दरबारी बाजीगर की असामी तख्लीक कर दी जाए तो क्या होगा ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री उनके मुल्क और उनके कदीम तख्त तख्तो ताज की शान शौकत में इजाफा होगा. क्या होगा और उन्हें उसने उन्हें बताया कि किस तरह से अगर दरबारी बाजीगर की असामी तख्लीक कर दी जाए तो उनके क्या होगा मुल्क की शान शौकत और कदीम तख्त ताज की शान क्या होगा शान शौकत में इजाफा होगा. उनके मुल्क और कदीम तख्त ताज की शान शौकत में इजाफा होगा. ही गेव द एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कोर्ट्स उसने दूसरे दरबारों की मिसालें दी. एंड ग्रेटर बंदर उससे बड़े बड़े दरबारों उसने क्या होगा दूसरे दरबारों की मिसालें दी और उससे बड़े बड़े दरबारों की मिसालें दी. ग्रेटर जो है वो क्योंकि उसके साथ कंपैरिजन है तो क्या होगा ग्रेटर उससे बड़े बड़े या अजीम दरबारों की मिसालें दी. या बड़े जो मुराद है यहाँ पे अजीम उसने दूसरे क्या होगा अजीम दरबारों की मिसालें दी और क्या होगा और एन ग्रेटर वंस और अजीम तर दरबारों की मिसालें दी. ऑफकोर्स मैनी अपोज्ड हैं बिलाशुबा बहुत सारे लोगों ने उसकी मुखालफत की. That is politics, सियासत में ऐसा होता है. यकीनन ये बिला शुबा बहुत सारे लोगों ने उसकी मुखालफत की. That is politics, सियासत में ऐसा होता है. Of course, it took a long time. यानी सियासत में ज़ाहिर लोग मुखालफत करते हैं इख्तलाफ राय होता है.
बिलाशुबा इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बिलाशुबा से लंबा अरसा लगा, दैट इज पॉलिटिक्स टू, ये भी सियासत में होता है। यहाँ पे सेमीकोलन लगना चाहिए था क्योंकि विकास के है, कॉलन इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगेन जो है क्या होगा अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स है, और टू रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल है, जब रिपीटेड एक्शन के लिए हम टू लगाते हैं, एज वेल या आल्सो भी लगाते हैं। बट दैट इज अ वियर इयर्स वेंट बाय, लेकिन जो जो साल गुजरते गए ही वोट डाउन द अपोजिंग आर्गुमेंट्स, वोट डाउन मीन शिकस्त दे देना अपोजिंग आर्गुमेंट, मुखालिफ क्या होगा बातों को, ये मुखालिफ जो है वो दलाइल को, मुखालिफ मुखालिफिन की क्या होगा दलाइल को, जो जो साल गुजरते गए उसने मुखालिफ दलाइल को वो शिकस्त देता चला गया, टिल ही यहाँ तक कि ही हैड टोल्ड द पीपल, यहाँ तक उसने लोगों को बता दिया, यहाँ तक उसने लोगों को बता दिया व्हाट अ लेसन इट वुड बी, कि लोग क्या सबक मिलेगा या क्या पैगाम मिलेगा टू ऑल द नेशन, तमाम कौमों, टू हैव अ यंग एथलीट, एक नौजवान खिलाड़ी रखने से एट द कोर्ट दरबार में एक्सिबिटिंग परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, भरपूर जिस्मानी तनासब का मजारा करता हो। अब एक्सिबिटिंग जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है, किसके मीने में इजाफा कर रहा है, डिस्प्ले करना, किसके मीने में इजाफा कर रहा है, कोर्ट एक्रोबैट, यंग एथलीट, यानी इसका तर्जमा इतने हिस्से का कैसे करेंगे, यंग एथलीट एट द कोर्ट एक्सिबिटिंग परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, तो क्या होगा, दरबार में भरपूर जिस्मानी तनासब का मुजाहरा करते हुए नौजवान खिलाड़ी, टू हैव रखने से, अब जरा देखिएगा, यहां तक कि उसने लोगों को बता दिया था, इतनी एक क्लॉज हो गई, यहां तक कि उसने लोगों को बता दिया था कि क्या होगा, दरबार में भरपूर जिस्मानी तनासब का मुजाहरा करते हुए एक नौजवान खिलाड़ी रखने से इट वुड बी टू ऑल नेशन, दूसरी अकवाम को क्या पैगाम मिलेगा या क्या होगा पैगाम मिलेगा, यहां तक उसने लोगों को बता दिया था कि दरबार में भरपूर जिस्मानी तनासब का मजारा करते हुए नौजवान खिलाड़ी रखने से तमाम अकवाम को पैगाम मिलेगा, एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल वुड स्ट्रेंथ देयर सोल्जर्स, किस तरह से ये मिसाल सब्जेक्ट आ गया, अब लास्ट पे देयर सोल्जर, उनके सिपाहियों को मजबूत बनाएगी, किस तरह से मिसाल उनके सिपाहियों को मजबूत बनाएगी, एंड फाइनली एंड एनेबल देम, और उस काबिल बनाएगी फाइनली बिलाखर टू विन द जस्ट एंड जायज हकूक हासिल करने के लिए, मुनसफाना हकूक हासिल करने के लिए, जस्ट मुनसफाना हकूक ऑफ द नेशन, अपनी कौम के, ने विक्टोरियस बैटल फातेहाना या फैसला कुंजन में अगेंस्ट द रेकर्स नेबर, अपने नाम पसंदीदा हमसाया, कर्स का मतलब होता है जो हेटफुल हो, जिससे नफरत की जाए, जैसे इंडिया पाकिस्तान नाम पसंदीदा हमसायों के खिलाफ, तो क्या होगा, और किस तरह से मिसाल उनके सिपाहियों को मजबूत बनाएगी, और उन्हें, अब लास्ट पे चले दें, क्या होगा, अपने नाम पसंदीदा हमसायों के खिलाफ फैसला कुन जंग में अपनी कौम के मुनसफाना हकूक हासिल करने के बिलाखिर काबिल बनाएगी, किस तरह से ये मिसाल उनके सिपाहियों को मजबूत बनाएगी, और उन्हें बिलाखर क्या होगा, और उन्हें बिलाखर अपने नापसंदीदा हमसायों के खिलाफ फैसला कुन जंग में अपनी कौम के मुनसफाना हकूक हासिल करने के काबिल बनाए, एंड सो द आइडिया कॉटन, इस तरह से ये तसव्वुर मकबूल हुआ, एंड मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और किस्सा मुख्तसर ये द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, ये पूरा एक्सप्रेशन है, मेक स्टोरी लॉन्ग शॉर्ट, किसा मकसद ये, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वाज ड्यूली क्रिएटेड, दरबारी बाजीगर का होता मुकम्मल इख्तियारात के साथ कायम कर दिया गया, ड्यूली एडवर्ब है, क्रिएटेड की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी मुकम्मल इख्तियारात के साथ, और किसा मकसद ये कि क्या होगा, मुकम्मल इख्तियारात के साथ दरबारी बाजीगर का होता तख्लीक कर दिया गया, बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर देन लॉन्ग डेड, गॉर्जियस के वालदैन दोनों बहुत अरसा पहले के फौत हो चुके थे, बट देन लिटिल रिमेन टू बी डन, अब ना कुछ करने को बाकी था, या अब थोड़ा सा काम करने को बाकी था, या ना होने के करीब बाकी, अब तक गॉर्जियस के वालदेन बहुत पहले के मर चुके थे, बाय देन लॉन्ग डेड, तो ये हेडमैन होना चाहिए था, वर नहीं होगा, क्योंकि जब बाय देन है तो उस वक्त था, तो जब एक्शन की कम्प्लीशन को शो करते हैं तो परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और तब तक गॉर्जियस के वालदेन दोनों बहुत अरसा पहले के फौत हो चुके थे, बाय देन लिटिल रिमेन टू बी डन, अब करने को बहुत थोड़ा सा काम बाकी था, He had to stick only for a few days more to that idea of his. अभी उसे महज चंद मजीद दिन क्या होगा? He had to. उसे करना था. Stick उसे डटा रहना था for few more days, चंद मजीद दिन to wild idea of his. अपने उस जुनूनी ख्याल. उसे अपने उस जुनूनी ख्याल पर चंद मजीद दिन डटे रहना था.
उसे चंद मजीद दिन अपने उस जुनूनी ख्याल पर डटे रहना था। एंड व्हेन द क्वेश्चन अरोज, जब इस सवाल उठा ऑफ चूजिंग एन एथलीट, क्या होगा खिलाड़ी के इंतखाब का टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, नई बनाए जाने वाली या तख्लीक किए जाने वाले ओहदे को पुर करने की। और जब अब लास्ट पे चले जाएं, क्या होगा न्यूली मेड, टू फिल द न्यूली मेड, ये इन्फिनिटिव से स्टार्ट करेंगे, वापस आएंगे, नई तख्लीक करदा सामी को पुर करने के लिए खिलाड़ी के इंतखाब, चूजिंग एन एथलीट, एक खिलाड़ी के इंतखाब का सवाल उठा, होम कुड दे चूज, उस शख्स के सिवा किसे चुन सकते थे, who had worked for it for all those years, जिसने इन तमाम सालों में उसके लिए जदोजहद की, जिसने इन तमाम सालों में उसके लिए जदोजहद की थी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चूंकि परफेक्ट टेंस है, all those years टाइम आ गया तो परफेक्ट टेंस लगाया। उसने मिशन कैसे हासिल किया, गॉर्जियस जॉइंट पॉलिटिक्स, काम करने वाला मौजूद है, फिर सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, टू गेट पार एंड प्रीच इन द मिशन ओपन, ही कन्विंस हिज पीपल, क्या होगा दैट द क्या होगा, ही कन्विंस हिज पीपल टू क्रिएट द पोस्ट ऑफ द पोर्ट एक्ट। और क्या होगा कंडीशनल सेंटेंस आप करने हैं, इफ आई वुड है तो इफ आई वन, I met है सेकेंड कंडीशन है, इफ वाली क्लॉज में पास्ट मेन में फ्यूचर वुड के साथ होगा, आई मेट आई वुड, शी वुड ट्रेवल तो शी वर रिच, शी वुड पास है तो शी स्टडीड होगा, इफ आई हैड हिज नंबर आई वुड कॉल, इफ आई वर यू आई वुडंट गो देयर। कन्विंस किसने किया, ही कन्विंस्ड, क्या होगा इंक्रीज, इंक्रीज कर ली है या होनी है, तो क्या होगा द ग्लोरी ऑफ इट वुड इंक्रीज, इसने इंक्रीज करना, इट वुड इंक्रीज, the post of court acrobat would increase the glory of, it would enhance the morale of army, और क्या होगा it would give a good message, जो भी काम अभी होना है वो future में आ जाएगा और जो हो गया वो past में आ जाएगा। इसी तरह से क्या point of view था, क्या the view point of his parents was opposite, क्या होगा कौन सोच रहा है वो, they thought that, क्या चीज determination के साथ होगा, fate या opportunity is also important, was is also important, ye generalized truth hai, isne contradict kiya, he contradicted them, kya kaun emphasize kar raha, usne emphasize kiya, he emphasized that, wo hasil ka alag ambition, he would get ambition, ab trained hai to highly trained adverb aa jayega, hardly known, extremely harmful, carefully planned, newly made, extensively decorated or fatly injured। It's all about for today's lecture. You may subscribe the channel so that you may get the updates of the channel whenever the new video is uploaded. Have a nice time. Allah Hafiz.